औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैर खरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, शाद रहें और खुश रहें, हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें। आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ही यही है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ और बताऊँ कि आज़रबैजान में आया कि स्टूडेंट काम कर सकते हैं या के नहीं। तो स्टूडेंट के हवाले से है कि आज़रबैजान में स्टूडेंट काम कर सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। और स्टूडेंट कैसे काम कर सकते हैं, अगर स्टूडेंट की विरगी वगैरह नहीं बनी हुई तो स्टूडेंट उस पर काम कर सकते हैं। अगर आपकी विरगी बनी हुई है तो आपको मुश्किलात हो सकती हैं काम में। और दूसरा, आप काम कौन कौन सा कर सकते हैं, काम यहाँ पे डिफरेंट काम है। अगर आपको थोड़ी बहुत ही आप एक दो महीने लगा के अगर आप थोड़ी लैंग्वेज कवर लग कर लेते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जॉब्स किस चीज़ में मिल जाती हैं आपको, ऑफिस में मिल जाती है, एज अ वेटर जॉब मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद आपको किसी शॉप में एज अ सेल मैनर मिल जाती है जॉब, ठीक है। आज़रबैजान में आपको जॉब इजीली मिल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बट आप ये देख लें, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि मोस्टली बंदों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। इंग्लिश की वजह से काफ़ी जॉब्स नहीं मिल सकती आपको, जब तक कि आपको तुर्किश या आज़रबैजान लैंग्वेज ना आती हो। प्लस आप यहाँ पर आप डिलीवरी बॉय का काम कर सकते हैं, डिलीवरी बॉय का काम बड़ा ईजी है और बड़े आराम से यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो डिलीवरी बॉय के लिए आपको डिलीवरी बॉय की जॉब्स आपको मिल सकती हैं। डिलीवरी बॉय की जॉब आपको कैसे मिल सकती हैं, आप यहाँ पे लेना है एक छोटा सा स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी कहते हैं जिसे, जो इलेक्ट्रिकली चलती है, वो उसको चला के तो आप यहाँ पे जॉब्स हासिल कर सकते हैं। आप शाम के टाइम उस पर कोरियर जॉब कर सकते हैं, नो इशू है। उसके बाद क्योंकि आप डे को काम नहीं कर सकते, डे को इसलिए आप स्टूडेंट काम नहीं कर सकते ओपनली, क्योंकि डे को इमिग्रेशन की प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी का टाइम होता है, तो वो कहते हैं कि शाम पार्ट टाइम आप जॉब कर सकते हैं। तो आज़रबैजान में ये है कि आप पार्ट टाइम बिल्कुल आराम से जॉब कर सकते हैं। अगर आपको जॉब्स के हवाले से किसी किस्म की कोई भी हो मसला तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है और मेरे नंबर पर आप रब्ता करके तो बिल्कुल जॉब्स के बारे में आपको मैं गाइड भी कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि आप काम किस तरह से कर सकते हैं। और काम के मतलब मैं आपकी हेल्प ये कर सकता हूँ कि आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको उस इसके मतलब भी बता सकता हूँ, और बेसिक लैंग्वेज भी मैं आपको सिखा सकता हूँ कि आप कम से कम आपका अपने वर्क के लिए जो है वो एग्री हो जाएं, आप अपना काम के लिए आपकी इतनी लैंग्वेज हो कि आपको तजर्बा आता है या नहीं, मगर आप अपनी जो एक सिस्टम है, जो एक ज़िंदगी का निज़ाम है, वो आप अपनी ज़िंदगी का चला सकते हैं। तो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज और इसके लिए जो हेल्प है वो मैं आपकी कर सकता हूँ, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और उसके साथ अभी जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं वो कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी की आपके पास लाजमी इनविटेशन आना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी का इनविटेशन नहीं है आपके पास तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा आज़रबैजान एयरपोर्ट से। तो सो आप जब भी आते हैं तो आप यूनिवर्सिटी का इनविटेशन लेटर लाजमी लेके आए, और प्लस आपके पास यहाँ पे आपको स्टूडेंट एक्सेप्ट किया जाता है ना कि हायर एजुकेशन की बिना पे। आप अगर मैट्रिक पास हैं, एफए पास हैं, ठीक है, बीए पास हैं, एमए, मतलब आप अगर लो से ले और हाई से हाई डिग्री में पास हैं तो आपको कोई इशू नहीं है, आपको यहाँ पर जॉब्स सॉरी अपना आपको यहाँ पर इन्विटेशन मिल सकता है, आपको यहाँ पर स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट किया जाता है, नो प्रॉब्लम। और अगर इन दिनों में अगर आप आते हैं तो इन दिनों में अभी मौसम ठंडा चल रहा है, ठीक है, आप अपनी शॉपिंग शॉपिंग के हवाले से आप अपने गर्म कपड़े ज़रूर साथ रखें और अपनी बाकायदा केयर करके आएँ। बाकी आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी आज़रबैजान के हवाले से वीज़े के मतलब आपको इन्विटेशन लेटर के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आपको मेरा नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, ठीक है, और आप उस नंबर से मेरे इस नंबर से आप
मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ और आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो मज़ीद जो भी डिटेल हैं वो मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है लोकल, यहाँ का आज़रबैजान का नंबर है जो मेरा नीचे है, तो इस पे मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। और आज़रबैजान के हवाले से एक न्यूज़ भी है बड़ी अच्छी, तो वो भी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगा बड़ी जल्दी इंशाल्लाह। ठीक है, एक न्यूज़ है बड़ी गुड आज़रबैजान के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब तक हमें कंफर्म होती है हम कंफर्म करके फिर आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पिछले 8 साल के अरसे से यहाँ पे हूँ आज़रबैजान में, और ख़ुद भी काम कर रहा हूँ, और अगर किसी को हेल्प वगैरह चाहिए हो तो वो भी करता हूँ ज़रूर इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अगर आप हमसे हेल्प लेते हैं तो हम बकायदा एक सिस्टम के तहत आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इंशाल्लाह इसी के साथ अली भाई को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।